नमस्ते दोस्तों, टेकमेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वार्टर ऑफ द सर्कल। अलग अलग टाइप के रेडियस आइसोमेट्रिक ब्लॉक में आपको निकालने पड़ते हैं। तो ये फ्रंट व्यू दिया है, फ्रंट व्यू के अंदर आपको लंबाई 100 लेने की है और ऊंचाई 60 लेने की है। दोनों तरफ रेडियस R20 लेने का है। यह आइसोमेट्रिक अंदर इस तरह से ब्लॉक बनाए जाते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लेने का है, वहां पे प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री और एक साइड में 30 डिग्री। तो ये 60 लंबाई और 100। लास्ट वीडियो में ये कैसे बनाते हैं वो दिखाया आपको, तो ये मैं डायरेक्ट आपको निकाल के दिखाया। अभी आपको मेन इम्पोर्टेंट है रेडियस किस तरह से लिया जाता है। इस चैप्टर में सिर्फ रेडियस का इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको रेडियस निकाल के ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आप एंड तक वीडियो देखो, आपको मालूम पड़ेगा कोई भी आप रेडियस आप आराम से निकल सकते हैं। जहां पे आपको रेडियस ड्रॉ करने का है वहां पे R20 यानी सब जगह R20 का मार्किंग करने का है। दोनों जगह R20 है, इसके लिए यहाँ पे R20 का मार्किंग करके लेने का है। ये सब मार्क करा है मैं व्हाइट चौक से, ये R20 का मार्किंग है। और ड्राइंग शीट के ऊपर आप बनाइए ऐसा। ये चार पॉइंट मेन है। चार पॉइंट लेने के बाद सेट स्क्वायर से या रोल एंड ड्रॉ से आप पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रॉ करने का। यहां पे ये लाइन को परपेंडिकुलर इस तरह से एकदम लाइट पेंसिल से ड्रॉ करने का। और एक दूसरा लाइन है यहां पे ड्रॉ करने का। इस तरह से इसके बाद डिवाइडर लेने का है। जैसा डिवाइडर आप लेते हैं, इसमें यहां पे दिखाया मैं, इसका मिडल आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का लाइन। तो क्या करते हैं, यहां से मिडल से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लेके दोनों चारों चंपर लेते हैं। इसी तरह इसमें भी आपको लेने का है और ये आप ज्वाइंट करके तो मिडल मिल जाता है, वैसा ही यहां पे लेने का है। सबसे पहले आधा से थोड़ा ज्यादा बस यहां तक रेडियस देखो यहां पे मार करने का है। और ये पॉइंट पे रख के दूसरा पॉइंट मारने का यहां पे इस तरह। तो ये पॉइंट आपको यहां पे रेडियस लेने का है। तो ये पॉइंट आपका मेन है। दूसरा जो है यहां पे आपको इस तरह से ड्रॉ करने का, देखो यहां पे सेम इसी तरह से यहां पे ड्रॉ करने का। तो ये पॉइंट आपका यहां पे रेडियस लेने के लिए है। सिर्फ यहां पे ये रेडियस घुमाने का है, देखो यहां पे इस तरह से एकदम लाइट हल्के है, इसे ड्रॉ करने का इस तरह से। देखो परफेक्ट मैच होता है और शेप भी बराबर दिखता है। सेम ऐसे ही यहां पे इस तरह से दोनों पॉइंट मैच करने का है। इस तरह से ये आइसोमेट्रिक के अंदर इस तरह से ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये अपना रेडियस किस तरह से निकाला जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर इस तरह से अपना क्वार्टर ऑफ सर्कल, तो यहां से ये कंप्लीट हो जाता है और यहां से ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये आर्क हो गया दोनों, R1 एंड R2। इस तरह से आप ड्राइंग शीट के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग डायमेंशन लेके, तो आपको प्रैक्टिस आराम से आइसोमेट्रिक ब्लॉक कोई भी आप निकल सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।